इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर, सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव, सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन यदि व्यक्ति कार्य को संगठित होकर करता है, एकता के साथ करता है, एक दूसरे की मदद करते हुए करता है, तो वह कार्य बहुत आसान हो जाता है। और यदि कार्य एक दूसरे को बिगाड़ते हुए करते हैं, एक दूसरे को तकलीफ देते हुए करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हुए करते हैं, तो एक कार्य मुश्किल हो जाता है। आपको विचार करना है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, वह कार्य संगठन के साथ विघटन के साथ कि लोगों को एकत्रित करने के साथ हो रहा है।
आज वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति कार्य तो कर रहा है, लेकिन कार्य को किस तरह से करना चाहिए यह किसी को पता नहीं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, भोजन का आनंद उस व्यक्ति को आता है जो व्यक्ति अपने हाथ से भोजन बनाता है फिर करके, और पूजन का आनंद भी उस व्यक्ति को ज्यादा आता है जो पूजन की प्लेट अपने हाथ से बनाता है और भगवान के चरणों में अर्पण करता है। लेकिन आजकल तो क्या चल रहा है, रेडीमेड कचौड़ी। पहले के समय में जब लोग शादी ब्याह में जाते थे तो कैसे वस्त्र मिलते थे, पहले से 30-40 साल पहले जब लोग शादी ब्याह में जाते थे तो कैसे कपड़े थे, लोग टुकड़े दे दिया गया, और कई बार तो ऐसा होता था कि वह कपड़ा किसी ने दिया और आगे जाके घूम कर देने वाले को पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, घूम फिर के पहुंच जाए। तो कपड़ा भी आजकल सिला सिलाया हो गया और कार भी सिला सिलाया, और यहां तक कि कई बार लोग चौके में आहार लेने जाते हैं साधु लोग, तो जब लोग आहार देने आते हैं तो कैसा आहार हो गया आजकल, एक होता है हैंडमेड और एक होता है रेडीमेड। हैंडमेड में अपने हाथ से बना और रेडीमेड नहीं, बाजार से खरीद के ले आओ, कल से कल से मजा आ जाए। रेडीमेड मतलब जो आहार वस्तु बना रहे हैं। तो एक बार एक महिला आई आहार देने के लिए, थाली दिखाई, बोले महाराज जी परवल है, मैंने कहा टाटा टाटा, बोले महाराज जी परवल लीजिए बहुत अच्छे परवल बने हैं, मैंने कहा टाटा टाटा। एक्चुअली मैं तुरई थी, गिलकी थी, और गिलकी का मेरा प्यार था, क्या था वो परवल बोले जा रही बहुत अच्छे परवल है, योग्य मैंने कहा इसको हटा दो, आहार की बात बोली, बोले महाराज जी इतने बड़े परवल इतने अच्छे परवल बने थे आपने लिए नहीं, मैंने कहा बहन जी यहां तो परवल 3-4 दिन से चौके में नहीं आया, तो उसने जाके पूछा तो मालूम चला कि गिलकी की सब्जी थी। रेडीमेड काम करो तो ये होगा, थाली लिए चल पड़े पड़ा ही चले, क्या हो रहा है, पूजन की थाली ले ली, बोले कौन से पूजन की थाली, इसलिए कहते ठीक है जब कभी मौका लगे तो कम से कम हफ्ते में एक बार अपने हाथ से भगवान जी की पूजन की द्रव्य बनाना चाहिए, उससे आपको मालूम चलेगा, आनंद आएगा, आपको लगेगा कि हम कैसे बना रहे हैं। यहाँ तो पुजारी बना के दे रहा है, हमने लिया उदक चंदन तांडव अर्घ, बोला अर्घ में पाम दी, अर्घ में पाम दी, पता ही चला क्या है क्या नहीं चलता। आप चावल बनाओगे तो मालूम चलेगा कि चावल है कैसे, बादाम कैसे हैं, फल कैसे हैं, श्रीफल कैसे, तो आपको मालूम चलेगा क्या है, आप उन्हें दिए जा रहे हैं, आप दिए जा रहे हो। तो मैं कह रहा था कोई भी कार्य करे तो संगठन, लेकिन आज क्या हो गया, भोजन भी आ गया, घर में कोई समस्या हो जाए कॉल सेंटर पे कॉल लगाओ, भोजन बना बनाया बना चल जाओ, भजन होना है सेंटर पे लगाइए, भोजन की व्यवस्था हो गई, आप आगे माइक में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को यदि हम संगठित होकर करेंगे, एकता पूर्वक करेंगे, सहयोग पूर्वक करेंगे, तो उस कार्य का एक अलग ही आनंद आएगा। लेकिन आज वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, एकता पूर्वक करें ना करें, अनेकता पूर्वक करें ना करें, लेकिन लोगों को कई बार तकलीफ देकर कार्य करते हैं, इसलिए उस कार्य का फल फल आएगा। घर में यदि 4 लोग भोजन करने वाले और 2 लोगों का भोजन हो, और गृहिणी समझदार होती है तो 2 लोगों के भोजन में 5 लोगों को भी खिला सकती है। कब? जब लोगों के मन में एकता हो, लोगों के मन में दूसरों के प्रति अच्छा भाव हो, तो 2 लोगों के भोजन में 20 लोग भी कर लेते हैं। और यदि कहीं 20 लोग का भोजन है और 15 लोग भी हैं, लेकिन मन में यदि एकता का भाव नहीं है, सामंजस्य का भाव नहीं है, तो 15 लोगों को भी भोजन कम पड़ जाता है, क्योंकि लोगों में एकता का भाव खत्म होता जाता है। एक बार एक 50 लोगों का ग्रुप कहीं घूमने गया, वहां पर मालूम चला कि जीवन को सफल करने के सूत्र बताए जा रहे हैं, तो आदमी वहां पहुंच गया। कई बार सोचता हूं कि इंसान किस राह पर जा रहा है, किस जगह पर चल रहा है, मोटिवेशन गुरु को ढूंढ रहा है, ध्यान की कक्षाएं ले रहा है, अन्य अन्य सारे क्रियाएं कर रहा है, ये लोग कितनी अज्ञानता में चलते हैं। और जिस व्यक्ति को मोटिवेशन करना हो, ध्यान करना हो, अपनी आत्मा की शुद्धि करना हो, उसको अन्यत्र कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एक बार पारसनाथ भगवान के चरणों में आकर बैठ जाओ, आपके सारे ध्यान अपना दिमाग आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ छोड़कर आदमी बोले सुबह में विधान में नहीं आ सकता, मैंने बोला क्यों, बोले वो मेरी क्लास, अरे भाई इससे बड़ी क्लास जीवन की क्या होगी। तो मैं बता रहा था कि 50 लोगों का ग्रुप गया और वहां पर लिखा था कि जीवन को सफल करने वाले
बहुत सारे लोग वहां पर जो मोटिवेशन करा रहा था उससे सभी लोगों से कहा आप सभी लोग गुब्बारे लिए, उन सभी ने गुब्बारे लिए और कहा कि इस पर अपने अपने नाम की पर्ची लगा दी। सभी ने अपने अपने नाम की पर्ची लगा दी और सारे के सारे गुब्बारों को उसने कमरे के अंदर बंद कर दिया, एक हॉल के अंदर बंद कर दिया, बहुत बड़ा हॉल था। और 15 मिनट बाद उन्होंने कहा जाओ अपने अपने नाम का गुब्बारा लेकर, क्या कहा 15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि जाओ अपने अपने नाम का गुब्बारा लेकर मात्र 3 मिनट के अंदर। और आप विचार करिए 5 मिनट के बाद 50 के 50 बाहर आए लेकिन किसी के पास भी किसी अपने नाम का गुब्बारा नहीं। अपना तभी मच गई, चीचा फटी हो गई, लोग उठा उठा के गुब्बारा फेंक रहे थे, अपना नाम का गुब्बारा ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने कहा ऐसे सफल नहीं हुए, बोले फिर से अंदर जाओ। उन्होंने क्या किया, फिर से अंदर भेजा, बोले फिर से अंदर जाओ। तो दो चार बोले जाकर क्या करेंगे, 3 मिनट में काम करता नहीं, बोले फिर से अंदर जाओ और 2 मिनट के अंदर तुम सबको अपने अपने नाम के गुब्बारे लेकर आना है। लोग बोले बोले ये क्या सफल होने का सूत्र बताएगा, 5 मिनट में नहीं ढूंढ पाए, 2 मिनट में क्या ढूंढेंगे, बोले जाओ। तो जाने लगे तो उन्होंने कहा लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, हर व्यक्ति एक एक गुब्बारा उठाना और जिसके नाम की पर्ची होगी उसको क्या करना, एक मिनट के अंदर जाना और हर व्यक्ति जिसके हाथ में गुब्बारा आए अपने नाम का गुब्बारा लेना, नहीं तो जिस नाम का गुब्बारा है उसको पुकारिए और उसका गुब्बारा दीजिए। तो ऐसे करके वो लोग 1.5 मिनट के अंदर 50 के 50 आ गए और उनके हाथ में गुब्बारे थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अफरा तफरी नहीं मचाई, जिसे लिखा था गुब्बारे पे कोई भी नाम लिखा था उसने पुकारा, उसका गुब्बारा दिया, बाहर चला गया। ऐसे करते करते क्या हुआ, ऑटोमेटिकली काम सारा हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अफरा तफरी मचाते हैं, गुब्बारा बन जाएगा, परेशान हो जाएगा, समस्या में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, गुब्बारा यदि गुब्बारे की भांति जिसका जो सामान है उस तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो हमारा सामान अपने आप हमारे तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज स्थिति उल्टी है, समस्याएं दूसरी है, लोगों के अंदर धीरे धीरे एकता के भाव, सामंजस्य के भाव कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले के जमाने में लोग प्रतिदिन घर में एक साथ सामूहिक रूप से बैठकर भोजन करते थे और मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम को सामूहिक रूप से भजन करते थे। जो प्रतिदिन सामूहिक रूप से भोजन जहां पर भी होता है, मैं हमेशा कहता हूं जिस घर में शांति चल रही है, जिस घर में झगड़े झंझट कम हो रहे हैं, उसमें आप समझ के चलना कि इनके लोग आपस में कभी ना कभी हफ्ते में 2 दिन में 1 दिन में मिल बैठकर भोजन करते हैं, क्योंकि जब एक साथ बैठते हैं तो जो मन की मलाल है वो निकल जाती है। और जिस मंदिर में शांति चल रही है समझ बचना कि वो वहां के लोग एक साथ मिल बैठकर कहीं ना कहीं भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन करोगे उसके बाद में भोजन की चर्चा अपने आप हो जाएगी, तो लोगों के मन के प्रति जो भाव है एक दूसरे के अपने आप समाप्त हो जाएंगे। मिलते ही आजकल घरों में ट्रेंड चल गया, लोग बताते हैं बोले महाराज जी मुझे फैमिली ग्रुप से मालूम चलता है कि मेरा बच्चा सो के कब उठा, क्योंकि बच्चा बोले जब मैं ऑफिस जाता हूँ जब सो जाता है सोता रहता है और जब मैं ऑफिस से आता हूँ जब सो जाता है। तो बोले फैमिली ग्रुप से मालूम चलता है, मैंने पूछा कैसे मालूम चलता है, बोले मैंने घर में कह रखा है कि जब सबसे पहले उठो तो ग्रुप में गुड मॉर्निंग होनी, तो जब बच्चा गुड मॉर्निंग भेजता है जब मैं सोचता हूँ मेरा बच्चा उठ जाए। ये कि घर में रहने के बाद, चार दीवारी में रहने के बाद, पड़ोस में रहने के बाद इंसान अपने बच्चों के उठने बैठने की खबर कैसे ले रहा है, मोबाइल के माध्यम से ग्रुप में डाल देते हैं कि चाय बन गई आ जाइए। आप सब तो धार्मिक हैं, कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, मैं बता रहा हूं ग्रुप में डाल देता है आदमी की चाय बन गई आ जाइए, ग्रुप में पूछा जाता है कि आज इडली बनेगी कि डोसा बनेगा और बोलते हैं ग्रुप में 10 लोग हैं तो जो 5 लोग बोलते हैं घर में भोजन बजा। और पहले के जमाने में एक साथ बैठ बैठे तो निर्णय हो जाता था कल ये बनेगा आज ये बनेगा, ग्रुप में बोलते हैं कि आज इडली बनेगी डोसा बनेगा, ब्रेड के साथ में नाश्ता क्या होगा, चाय पत्ती कौन सी बनेगी, ग्रुप में काम था। और जब ग्रुप में काम चलेगा तो उसी तरह से लोगों की फीलिंग हमदर्दी होती जा रही है। ये साधन आपको इसलिए दिए गए कि जब आप दूर हैं तो साधन का इस्तेमाल करो, लेकिन आप पास में भी हैं विचार करिएगा साधन की बात ध्यान ही नहीं। एक बार एक चोर किसी के घर डाकर डालने पहुंच गया,
जैसे उसने डाका डाला, सारा सोना चांदी समेट लिया, और जब जाने लगा तो उसने उस घर की महिला से कहा, बोले जो तुम्हें रक्षाबंधन पर तुम्हारे भाई ने आईफोन गिफ्ट किया है वो भी निकालो। वो बड़े आश्चर्य पड़ गई कि चोर को ये बात कैसे मालूम कि मैं आईफोन मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया, उसने आईफोन दे दिया। उसके बाद चोर ने कहा जो तुम्हारे जन्मदिन पे जून में तुम्हारे भाई ने हीरे का नेकलेस हार दिया वो भी निकालो। उसने वो भी निकाल दिया। और जब चोर जाने लगा तो उसने कहा भाई साहब एक बात बता दीजिए कि तुमको ये कैसे पता कि मेरे पति ने मुझे हीरे का हार दिया, मेरे भाई ने मुझे मोबाइल का फोन दिया। तो चोर ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, बहन जी मैं आपके साथ फेसबुक में फ्रेंड हूँ। क्या जवाब दिया? बहन जी मैं आपके साथ में आपके फेसबुक में फ्रेंड हूँ। आजकल क्या हो रहा है, सीधा लगा फेसबुक डाल देता कि मुझे फोन मिला, मुझे गाड़ी मिली, चोरों की भी फेसबुक तो फेसबुक है। तो उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि बहन जी मैं आपके साथ में फेसबुक में फ्रेंड हूँ। सोचिए चल रहा है संसार में कि जो फ्रेंड है उनसे बोलचाल नहीं है, और जिनसे जान पहचान नहीं उनसे दोस्त बनाए जा रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि 50 साल का आदमी अपनी 20 साल पुरानी फोटो डाल देता है, और जब सामने मिलते हैं जब बोलता है ये दोस्त, ऐसा होता है। 50 साल का 70 साल का आदमी 20 साल पुरानी फोटो डाल देता है, और फोटो देख कर आदमी कितना बढ़िया आदमी, जब सामने आते मालूम चलता है ये उसके साथ दोस्त, उससे बड़ा तो उसका पोता है। फेसबुक है, फेसबुक तो ऐसे ही रहेगा। तो अपने ध्यान रखिए, मित्रता जिससे कर रहे हो उसको देख तो लो, जिसके साथ विचार कर रहे हो देख तो लीजिए। तो जो भी जीवन में सामंजस्यपूर्वक कार्य करेंगे तो आपके जीवन में समन्वय बना रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम, सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर, सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव, सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली,